गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू चैनल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने लास्ट राइड की थी उम्बना की, जो यहाँ से जोधपुर से अप्रॉक्स 70-80 किलोमीटर था। तो मैंने वीडियो के चलते चलते मैंने आपको बताया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो इस बुलेट का रिव्यू होगा। तो रिव्यू इन द सेंस एक टेक्निकल चैनल नहीं है, फोटो ब्लॉग का चैनल है मेरा। और जैसे मतलब नॉर्मली जैसे टेक्निकल बातें होती वैसी बातें नहीं होंगी इसमें। जस्ट जो मेरा इंप्रेशन था इस बाइक को चलाने के बाद, तो मैंने 1 जनवरी को ये बाइक ली थी और आज इसको 2 महीने से ऊपर हो गया थोड़ा। तो 2 महीने में 500 किलोमीटर भी मैंने चला लिया, अप्रॉक्सीमेट 519 किलोमीटर है। तो उसके बाद का जो मेरा रिव्यू है गाइस इसका, मेरे को ये बाइक बहुत अच्छी लगी है। और जहाँ तक अगर लॉन्ग राइड की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग राइड में थोड़ा सा इंजन गर्म होता है, बट इंजन गर्म होने के बाद भी मतलब इतनी स्मूथनेस रहती है इस बाइक में। और स्मूथनेस के बाद आपको मतलब बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि आप थक रहे हैं। मैंने ये 70 किलोमीटर्स की जो राइड है बिल्कुल एक स्टॉप में की थी, वो भी मतलब चाय पीने के लिए रुके थे हम लोग। और अगर एवरेज की अगर बात करूँ तो मेरे को फर्स्ट सर्विस से पहले 25 का एवरेज दे रही थी, फर्स्ट सर्विस के बाद मुझे ये 35 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है। और जोधपुर के हिसाब से अगर बताऊँ तो 108 रुपये लीटर चल रहा है यहाँ पे। और फर्स्ट सर्विस में जनरली सबका ये क्वेश्चन रहता है कि फर्स्ट सर्विस में कितनी कॉस्ट आई कितनी कॉस्ट आई, तो मैं इसीलिए वेट कर रहा था कि मैं रिव्यू तभी बनाऊंगा जब मैं फर्स्ट सर्विस करवा चुका हूँगा। तो अभी मैं आपको फर्स्ट सर्विस की जो कॉस्टिंग है वो बताता हूँ मैं। तो ये पर्ची मैं साथ में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट सर्विस करवाई है। फ़र्स्ट सर्विस के दौरान मेरी जो किलोमीटर होते हैं वो 500 किलोमीटर का होता है, बट मेरा 500 किलोमीटर हुआ नहीं था और 1 महीना हो चुका था। तो 1 महीने के हिसाब से मैंने सर्विस का जो मैंने करवाया है तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। और फर्स्ट सर्विस में मेरे को टोटल जो कॉस्ट आया वो है 1824 रुपये का, जिसमें मेरे क्या क्या चेंज हुआ था। जो सबके जनरली क्वेश्चन रहता है कि अगर इतनी भारी गाड़ी आप मेंटेन करें तो फर्स्ट सर्विस में और सर्विसिंग कॉस्ट क्या रहेगी आपकी, तो वो सारे सवालों का जवाब आज कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें मेरा पहले जो चेंज हुआ वो है लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक, जो कि 2.10 लीटर्स का आया है इसके अंदर। चेन का लुब्रिकेंट एंड चेन क्लीनर किट आया है 231 रुपये का, और जो लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक ऑयल मैंने बताया था आपको 663 रुपीज़ का आया है। और एक सर्विस किट लगता है जो कि 500 किलोमीटर में होता है, बट मेरी गाड़ी फर्स्ट सर्विस से पहले 500 किलोमीटर चली नहीं थी, 219 या 220 किलोमीटर को चली थी, तो वो भी उन्होंने ले लिया है जो कि है 930 रुपीज़ का। तो टोटल अगर मैं बताऊं इसका तो ये होता है 1824 रुपीज़। ये है मेरा फर्स्ट सर्विस का। और फर्स्ट सर्विस का जो टाइम पीरियड होता है गाइस 45 डेज या फिर आपके 500 किलोमीटर हो जाना चाहिए। तो मेरे 500 किलोमीटर हुए नहीं थे, पर 1 महीने बाद मेरे को सर्विस सेंटर जितने कॉल आने लग गए तो मेरे को मजबूरन करानी ही पड़ी वो। तो ये था मेरा इसमें आपका सर्विसिंग कॉस्ट। और रही बात अगर गाड़ी की, तो गाड़ी आपके सामने है, 234,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है। और आपके शहर में क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो मॉडल है वो रेडिज सेज ग्रीन जो बेस मॉडल होता है वो है। इसमें मेरे को अलॉय व्हील्स नहीं मिले हैं, इसमें स्पोक व्हील्स मिले हैं। डिस्क ब्रेक की अगर बात करूँ तो फर्स्ट डिस्क ब्रेक मिला है, सेकंड मेरे को नहीं मिला है, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है। और नई चीज़ें क्या हैं इसके अंदर, इंजन है जे सीरीज़ का, इंजन जे सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है जो कि साउंड को वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक कम करता है। और लॉन्ग राइड की अगर प्लानिंग करते हैं तो वाइब्रेट जो पुरानी जो रॉयल एनफील्ड में होती है जिसकी वजह से लोग उसको लेना पसंद नहीं करते थे, तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, ना के बराबर है। लॉन्ग राइड में बिल्कुल इंजॉय करने वाले हैं आप लोग। मेरा अगर आपने लास्ट ब्लॉग में राइड का ब्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, वो आप जाकर चेकआउट कर लेना। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया है। और इसमें क्या क्या खूबी है, यहाँ पे एक डिजिटल मीटर दे रखा है जो कि सेमी इलेक्ट्रॉनिक है, और साथ ही साथ ABS दे दिए। इससे अपर वर्जन लेते हैं आप डबल ABS आ जाएंगे, तो वो सारी की सारी डिटेल आप लोग नेट पे चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरा जो मेन मोटिव था फर्स्ट सर्विस के बाद इसका रिव्यू देना था, जो लॉन्ग राइड के लिए रॉयल एनफील्ड को लेना चाहते हैं, बुलेट को, क्लासिक 350 को बेझिझक ले सकते हैं, मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। तो गाइस सबकी ख्वाहिश रहती है कि जब बुलेट का रिव्यू वीडियो आता है तो एग्जॉस्ट नोट जरूर सुनाया जाए, तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो स्टॉक ही है, मैंने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की है। मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक एग्जॉस्ट आते हैं, इंदौरी पंजाब वगैरह काफ़ी, बट आपको एक चीज़ पता ही होगी कि उस पर अगर वो लगाते हैं तो वो इलीगल होता है। और हमारे यहाँ पे 10,000 का चलाना है तो आपकी सिटी में भी होगा वो, क्योंकि बैन है। तो मैंने कम्प्लीटली उसको बिल्कुल छेड़ा तक नहीं है। गाड़ी का खुद का भी साउंड बहुत तगड़ा आता है जब आप रोड पे लेके निकलते हैं इसको, जो इसका एग्जॉस्ट साउंड आता है वो बिल्कुल मैचअप करता है हार्ली डेविडसन की तरह। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सुनाता हूँ। ₹2,35,000 या ₹34,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी आपके बेस मॉडल की, और जैसा आप लेते हैं वो आपके ऊपर है गाइज। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जनरली एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सपोर्ट करना, और मेरे लद्दाख टूर को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर करो ताकि मैं लद्दाख जल्दी से कर सकूँ और आप लोगों के सपोर्ट से मैं उसको, मेरा जो ड्रीम है वो मैं पूरा कर सकूँ।
तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय शिव शंकर।